कोयला खनन के मामले में आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात है कि कई तरह के ट्रांसपेरेंसी जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक सपना देखा था वो अब कहीं ना कहीं हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। हमारे साथ प्रहलाद जोशी सर मौजूद हैं। सर, अभी अभी आपने कमर्शियल माइनिंग थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, और आपने अभी किया भी है उसका ऑक्शन वगैरह, किस तरह की रिपोर्ट है उसमें? जैसे मैं ऑलरेडी मीडिया ब्रीफिंग में बताया हूँ, ये ऑक्शन के रिजिम शुरू होने के बाद ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल ट्रेंच है। पहले जो हमने ऑक्शन किया था उसमें कंडीशंस, एंड्यूस ये सब और पॉलिसी प्रॉब्लम, इसके कारण पॉलिसी मीन्स बिकॉज ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस जो कुछ भी हमारा प्रॉब्लम था वो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्देश में हमने सब कुछ ठीक किया है। फॉर एग्जांपल पहले एंड्यूज का, उनका एंड्यूज वो क्या करते हैं वो स्पेसिफिक लोगों को ऑक्शन होता था, अभी हमने सब हटा दिया। और जो कोल माइनिंग में आना चाहता है उनको प्रायर एक्सपीरियंस रहना चाहिए, प्रायर एक्सपीरियंस इन कोल माइनिंग इन इंडिया, दैट वॉज द कंडीशन, हमने वो भी हटा दिया है। और बाकी सब कुछ थोड़ा छोटा मोटा रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया, हमने हटा दिया है। इस कारण इस ट्रांच मोर देन 55-56% हमको सक्सेस मिला है। जहाँ तक मैं पहले भी कहा था, वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द कोल इन द वर्ल्ड, एट द सेम टाइम वी आर द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑल्सो। दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, दिस ओनली सेंटेंस प्राइम मिनिस्टर टोल्ड मी, इसको चेंज करो। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वी हैव ब्रॉट दिस चेंज एंड दिस फर्स्ट ट्रांच हैज़ बिकम मोस्ट सक्सेसफुल। मुझे याद है कोविड के समय में निर्मला सीतारमण जब राहत पैकेज की घोषणा कर रही थी उसमें भी कोल ब्लॉक को लेकर बहुत सारी उन्होंने राहत का ऐलान किया था। अभी जिस तरह से बिडिंग हुई है आपको क्या लग रहा है कि कितना, किस तरह से रिस्पांस आया? बताया जा रहा है कि कुछ तो कुछ ब्लॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम्स उन्होंने दिया है। नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ 68% तक, एक ब्लॉक तो 68% तक गए हैं, तो इसके तो रेवेन्यू तो स्टेट को मिलेगा। और जहाँ तक झारखंड का समस्या है, पहले उन्होंने मुझे एक, उधर के माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे एक लेटर लिखा था, उसमें ये बताया गया था कि आप कोविड के समय में कर रहे, हमको रेवेन्यू इसमें जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल सकता है। वो तो रॉन्ग प्रूव हो गया। अभी करीबन लगभग नियर अबाउट 3,000 करोड़ नाउ झारखंड विल गेट, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है। मैं इतना कह सकता हूँ बहुत विनम्रता से, मैं किसी के ऊपर पॉलिटिकल टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, अगर सब राज्य शुरू से कोऑपरेट करते हैं तो करते तो व्हेन वी स्टार्टेड द कमर्शियल माइनिंग, मुझे लगता है अभी जो हम 19 माइंस है अराउंड 7,000 करोड़ नियर अबाउट हम जो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस वुड हैव बीन ऑलमोस्ट डबल, बिकॉज झारखंड का सब माइन चले जाते थे। तो ओडिशा में मैं मानता हूँ दो देश सपोर्टेड बिकॉज ऑफ द बिगर साइज ऑफ द कोल ब्लॉक्स, देर आर इन वन और टू माइंस देर इज सिंगल बिड, दैट ऑल्सो वी आर फाइंडिंग ए वे फॉर दैट। बट मुझे लगता है अगर स्टेट ज़्यादा प्रोएक्टिवली कोऑपरेट करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा असर होता था। फिर भी जो कुछ भी अभी ब्लॉक्स गए हैं उससे ही उनको 3,000 करोड़ मिलेगा। जो नई बिडिंग हुई है उससे रोजगार के किस तरह के अवसर आप देख रहे हैं, क्या कुछ नए अवसर आपको लग रहा है रोजगार के इससे पनपेंगे? बहुत बड़ा रोजगार का अवसर मिलेगा, और कम से कम झारखंड और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा। जो कुछ भी मैंने रेवेन्यू बताया है वो रेवेन्यू सिर्फ मैंने डायरेक्ट रेवेन्यू बताया हूँ, रोजगार, मशीनरी परचेज बहुत बड़े मात्रा में होगा।
एक बात और, जो आत्मनिर्भरता है भारत की, अगर हम कोयले को लेकर लें, अभी भी भारत आयात करता है कुछ कोयला, तकरीबन 150 से 200, आपको लगता है कि इस पे भी कहीं ना कहीं नकेल कसेगी कि अब हम कम आयात कर पाएंगे जिस हिसाब से ब्लॉक्स वगैरह से खनन शुरू हो रहा है? नहीं, हमारा उद्देश्य ही वैसा है। हम इसमें दो तरह का स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। एक तो कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन का लेवल, प्रोडक्शन का क्वांटिटी, वो भी हम बढ़ाने के लिए पूरा एक स्ट्रेटजी बनाया है, क्योंकि कोल इंडिया इज आवर प्राइड एंड कोल इंडिया इज द डोमिनेंट प्लेयर। एट द सेम टाइम हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें ला रहे हैं। तो जहाँ तक एक अंदाज़ा है 24 तक वी मे नीड, हमको 1,300-1,400 मिलियन टन तक हमको चाहिए। आज के दिन में कोल इंडिया प्रोड्यूस कर रहे हैं 600-650 के आसपास, और सब प्राइवेट वगैरह मिला के, जो कैप्टिव वगैरह है, ये सब मिला के 700 ऑड है। तो इसको हमको 1200 तक लेके जाने के लिए, मिनिमम 1300 तक लेके जाने के लिए, मैक्सिमम कोल इंडिया विथ ऑल अवर सपोर्ट, द मैनेजमेंट ऑफ द कोल इंडिया हैज सेड 1 बिलियन भी 23-24 तक करने के हमने बहुत प्रयत्न करना चाहिए, हमको बहुत कोशिश करना चाहिए। वो तो करने के लिए हमको जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, हम भी उसके लिए बढ़ावा देने के लिए जो करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, सब हम कर रहे हैं। बट वेयर डू यू गेट फ्रॉम अदर 300-400 मिलियन टन्स? यू लीव अ पार्ट, उसमें 100 मिलियन टन या 150 मिलियन टन कोकिंग कोल और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल आप समझ लीजिए, बाकी का कहाँ लाएंगे? तब भी इम्पोर्ट करते हैं। तो मैं एक चीज़ आपके थ्रू बताना चाहता हूँ, 40 ईयर्स के बाद, कभी करीबन 30-40 ईयर्स के बाद कोल का क्या होगा कोई भी पता नहीं सकता, कोई भी बता नहीं सकता। इसलिए हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हमको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज भारत का इकोनॉमी नेचुरली, एनी कंट्रीज इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन दी इलेक्ट्रिक पावर। हमारा इलेक्ट्रिक पावर अगर ज़्यादा, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होना है, हमारा इकोनॉमी ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कोल हमारा 70% ऑफ आवर एनर्जी कम्स फ्रॉम कोल। इसलिए हमको कोल को बढ़ावा देना ही चाहिए। अभी हमको करने का, एक्चुअली 15-20 वर्ष पहले हम इसके प्लानिंग करके ठीक करते हैं, तो कम से कम 2006 में जो पॉलिसी अनाउंस किया था यूपीए गवर्नमेंट, अगर तब करते हैं तो भी देश का स्थिति आज ऐसे नहीं रहता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूपीए का पूरा पॉलिसी पैरालिसिस, नेपोटिज्म, इसमें ही चले गए। काफ़ी पिक एंड चूज भी देखा गया उस वक्त, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा यूपीए के टाइम में। यूपीए के टाइम में जो पार्टी ऑफिस से चिट्ठी आता था उनको कोल ब्लॉक मिलता था। अभी तो हमने राज्य को इतना इसमें राजस्व मिलेगा, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया कानून लाया है उसके कारण इतना राजस्व मिलेगा। और हमारा कोल सिर्फ, देखिए इसमें हमारा रेवेन्यू का नहीं है, रेवेन्यू के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सब होगा। एंड दैट विल बी, हम तो कोल मंत्रालय है भारत सरकार के, जो कुछ भी रेवेन्यू मिलता है एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ GST, बाकी सब, वो प्रीमियम हो, रॉयल्टी हो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो, सब कुछ स्टेट को मिलता है। सो स्टेट इज द मेन बेनिफिशियरी एंड इट विल एड टू द एक्सचेकर ऑफ द स्टेट। एक आखिरी सवाल, जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के बाद सरकार की आगे की क्या रणनीति है इसको लेके? हम तो अभी सेकेंड ट्रांच भी ला रहे हैं। मैं स्टेट से अपील करता हूँ, आप प्रोएक्टिवली इन लोगों को सपोर्ट करिए। देखिए सिर्फ कोल के लिए जाके स्टॉप नहीं होता है, स्थगित नहीं होता है। अगर आप कोल को सपोर्ट करते हैं, आपके राज्य में कोल अवेलेबल है, आप बिना प्रॉब्लम के साथ इन लोगों को अगर सपोर्ट करते हैं, तो जहाँ कोल है वहाँ स्टील इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री, बहुत इंडस्ट्री आ सकते हैं। क्योंकि पावर इज दी, इलेक्ट्रिक पावर इज दी मेन थिंग। जहाँ सस्ता पावर मिलता है
जहाँ सब कुछ इंडस्ट्री आ सकता है। इसीलिए ये जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और टू सम एक्सटेंट मध्य प्रदेश है, ये सब स्टेट में कोल भी है, मिनरल भी है, सॉरी आयरन ओर है, बॉक्साइट, ऐसे बहुत कुछ है। आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए लोग क्यों में खड़े हो जाएंगे? इसलिए ये ऑक्शन जो किया है, हमारे उसमें कुछ स्वार्थ नहीं है। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, जो जीता है उनको सपोर्ट करके जल्दी इसका ऑपरेशनलाइज कराइए, आपका राज्य का, लोगों का बहुत कल्याण होगा। तो लाज उसने साफ कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर इस पूरे मामले पर राज्यों को आगे आना होगा, जिससे कि वहाँ की स्थानीय जनता और देश का भी ज़्यादा भला हो। दूसरी बात, आत्मनिर्भर बनने में ज़्यादा कदम उठाए जा रहे हैं ताकि दूसरे देशों पर जो हम आयात के लिए निर्भर हैं वो निर्भरता कम हो। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।